नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अब तो सारे ठीक हो गए, अब तो कोरोना चला गया। तो पर फिर भी हमें सावधानी अपनी जो है काफ़ी सावधानी बरतेंगे, ताकि आने वाले टाइम में भी जो थोड़ा बहुत रहता है उससे हम बच पाएँ। तो आज हम क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द करेंगे। और हिंदी में आपने पढ़े होंगे, एक तो होते हैं विलोम शब्द, दूसरे होते हैं वचन बदलो, तीसरे होते हैं लिंग बदलो। वचन बदलो में हम क्या करते हैं, वचन बदलो में हम जैसे एक चीज़ होती है उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कोई चाबी, तो उसका जो वचन बदलो हो जाएगा चाबियाँ, लड़का होगा तो उसके लड़के हो जाएगा। और लिंग बदलो में क्या होता है, उसका अपोजिट जो है मेल फीमेल वाला आ जाता है, तो आदमी और औरत वाला आ जाता है। जैसे मुर्गा का मुर्गी, कुत्ता का कुतिया, गधे का गधी, और मास्टर का मास्टरनी, ऐसे ही आ जाता है। और जो है हमारे विलोम शब्द होते हैं, तो विलोम शब्दों में क्या होता है, हम उल्टा लेते हैं। जैसे दिन का रात, सूरज का उल्टा क्या होता है, चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि वो रात में उगता है और वो दिन में आता है। तो ऐसे ही आज हम क्या करेंगे, ऐसे हम विलोम शब्द करेंगे। तो अब हम पहला क्या देखते हैं, ये देखो पहला है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। बिल्ली कहाँ बैठी है, बिल्ली बैठी है मेज के ऊपर। फिर उसका अपोजिट क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है, अंडर। अपोजिट नीचे, बिल्ली अब कहाँ पे है, मेज के नीचे। तो ऐसे ही ओवर और अंडर अपोजिट वर्ड कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अगला देखें, अगला हमारा है जो है, ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये बच्चा, ये वाला, ये बच्चा क्या कैसे बैठा है, ये स्टूल पे बैठा है और ये खड़ा है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, सिटिंग, स्टैंडिंग। ये सिटिंग और इसका अपोजिट हो गया स्टैंडिंग। ठीक है बेटे, यानी कि बैठना, और बैठने का उल्टा क्या हो गया, खड़े होना। अगला है हमारा स्लीप। स्लीप मतलब सोना, और अवेक मतलब उठना। वो क्या बिस्तरे से उठ रहे हैं ना, और ये क्या रहा है, सो रहा है। ठीक है, अगला देखो आप, ये है मोटा। मोटे का मतलब फैट, और ये है स्लिम। लगता है इसने ना इसकी पैंट ले ली है तभी इसके पैरों से निकल रही है, तो ये है पतला। फैट स्लिम, ये अपोजिट होते हैं दोनों, एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखो ये है पुल। पुल मतलब खींचना, और ये है पुश। धक्का मारते हो ना कभी कभी, जब तुम बस में जाते हो और बस खराब होती है और बस वाला कहते हैं नीचे उतर के धक्का लगाओ, तो वो पुश का मतलब धक्का लगाना, और पुल का मतलब खींचना। ये देखो अगला आ गया हमारा, अगला आ गया हमारा फुल और एम्प्टी। फुल और एम्प्टी, इस जार में बिस्किट पड़े हैं, देखो मुंह में पानी आया सबके, मेरे भी आया है, और ये है खाली, सारे बिस्किट रोहित खा गया। फुल एम्प्टी। अब एक ये तुम्हारा, तुम्हारे से मतलब रिलेटेड आ गया, ये है हैप्पी और ये है सैड। बहुत से बच्चे जब स्कूल बंद हुए थे ना, ऐसा मुंह बना रहे थे हैप्पी वाला, और जब अब पता चला स्कूल खुलने हैं तो उनका चेहरा ऐसा हो गया है, सैड वाला, हैप्पी सैड, हैप्पी सैड। खुशी का मतलब कि उल्टा क्या होता है, उदासी या दुख, ये इसका अपोजिट हैप्पी सैड। अब ये देखो, अभी बताया था ना सूरज का उल्टा,
चांद देख लो, नाइट डे, नाइट डे डे, ये इसमें चांद निकला हुआ है ना, मून निकला हुआ है और इसमें सन निकला हुआ है, तो ये नाइट है और ये डे है, क्योंकि नाइट में तो मून आता है और डे में सन आता है, तो इसीलिए नाइट डे। ये कहाँ खड़ा है झूले के नीचे, तो इसको डाउन, और ये कहाँ बैठे हैं झूले के ऊपर, तो अप, डाउन अप, डाउन अप। अब अगला आ गया हमारा क्लोज ओपन, ये बंद है ज्योमेट्री बॉक्स आपका और ये खुला हुआ है, तो क्लोज ओपन, अब इसका ये ढक्कन यहाँ पे खुल गया, तो ये क्लोज था तो ये ओपन, बंद का उल्टा क्या होता है खुला, या खुले का उल्टा क्या होता है बंद। अब आ गया है हमारा क्लीन डर्टी, क्लीन डर्टी यानी कि ये तो बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा है, देखो इसने अच्छे से जूते पहने हुए हैं, सुंदर से कपड़े, यूनिफॉर्म स्कूल की साफ सुथरी पहनी हुई है, और इसने क्या कर रखा है कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए हैं, देखो आगे से बटन खुले हुए और ये गंदे या ऐसे पानी में ही खड़ा है, तो ये डर्टी, क्लीन डर्टी यानी कि साफ सफाई और गंदगी। अब ये देखो हमारा क्या आ गया, इनसाइड आउटसाइड, जो ये पप्पी है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये घर के अंदर बैठा है और यहाँ पे क्या है घर के बाहर, यानी कि घर के अंदर या कहीं भी किसी भी चीज़ के अंदर और ये बाहर, ठीक। और ये आ गया हमारा टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट यानी कि ये जो बच्चा है लंबा है और ये छोटे कद का बना हुआ है, लंबा छोटा, टॉल शॉर्ट। देखो ये अब सिक और हेल्दी, सिक हेल्दी यानी कि अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे, सैर नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे, जब कोरोना होता है तो ऐसे बिस्तरे में ही लेटना पड़ता है, आप कहीं भी नहीं जा सकते, तो पर हेल्दी रहोगे तो खेलोगे मजे करोगे, तो ये सिक और हेल्दी। ये आ गया बिग स्मॉल, बिग स्मॉल यानी कि हाथी बहुत बड़ा होता है और चूहा छोटा होता है, तो ये आ गया बिग स्मॉल, बिग का अपोजिट क्या होगा स्मॉल, छोटा, सबने हाथी भी देखा होगा और चूहा भी देखा होगा। और ये आ गया, ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, ये कहोगे मैडम कैसे कि भाई ये तो खरगोश है और ये कछुआ है, ये अपोजिट कैसे हो गए, ये अपोजिट ऐसे हो गए बेटे, आपने हेयर एंड टॉर्टाइस की कहानी सुनी होगी कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, अब आने अगली वाली वीडियो में मैं आपको ये कहानी बताऊंगी भी, ठीक है, और वो दोनों की रेस लगती है, तो जो जीतता है वो है फास्ट चलता था, पर उस रेस में उल्टा होता है, जो स्लो चलता है वो जीत जाता है और जो फास्ट चलता है वो हार जाता है, तो इसीलिए ये हेयर एंड टॉर्टोइस बने हुए हैं, ये खरगोश बहुत तेज़ दौड़ते हैं ना, तुमने देखा है, तो ये और ये कछुआ बहुत धीरे चलता है, तो इसीलिए ये फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। ये है फास्ट
और ये है स्लो, क्योंकि जो है खरगोश बहुत तेज भागता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, तो इसीलिए इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया फास्ट स्लो। तो इसीलिए बेटे अब ये इन सब अपोजिट वर्ड्स को आप ध्यान रखना, और जब स्कूल खुलेंगे तो हम फिर इनको लर्न करेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।